करो। हेलो 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 चेक। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। व्यापारी बंदर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। गांधी तिलक सुभाष जवाहर का प्यारा यह देश है, जियो और जीने दो का सबको देता संदेश है। प्रहरी बनकर खड़ा हिमालय जिसके उत्तर द्वार पर, हिंद महासागर दक्षिण में इसके लिए विशेष है। लगी गूंजने दशो दिशाएं वीरों के यजमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, है वतन।
सभी उपस्थित हमारे सभी विद्वान और योग शिक्षक शिक्षकगण, नवोदय विद्यालय परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण और प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आप सबों को 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, इस अवधारणा के साथ कि हिंदू और मुसलमान दो समुदाय एक साथ रह नहीं सकते, इसलिए 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन दो हमारा भी विभाजन हो गया, पूरे देश का विभाजन हुआ, पड़ोसी राज्य में इस्लामिक राष्ट्र गठित हुआ। हम लोग साथ साथ रहते थे 1300 वर्षों के साथ साथ हम लोग का एक सा अस्तित्व था, एक शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग रहते थे, लेकिन वो क्या बात हो गई कि मुल्क हमारा बट गया और इसकी पीड़ा आज तक हम लोग झेल रहे हैं। लेकिन हमारे प्रगतिशील और समझदार पूर्वजों ने एक धार्मिक राष्ट्र न घोषित कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, जहां भारत ऐसे देश में जहां विविधता है, जहां बहुभाषी लोग हैं, जहां बहुधार्मिक लोग हैं, जहां बहुत सांस्कृतिक तरह के लोग हैं, लोगों की वेशभूषा अलग अलग है, खान पान अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, वैसे समय में निश्चित रूप से एक लोकतांत्रिक राज्य के गठन का होना जरूरी था और वो गठित हुआ 26 जनवरी 1950 को। हमारा देश का संविधान लागू हुआ और हम लोग एक गणतंत्र राष्ट्र की श्रेणी में आए। आजादी हमें मिली हजारों देशभक्तों के बलिदान के फलस्वरूप, आज का दिन हम सभी महान सपूतों के कुर्बानी, उनके त्याग को याद दिलाता है कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली, इसके लिए कई मां की गोद सुनी हुई, कई बहनों के मांग के सिंधु उजर गए, कितने लोगों को यातनाएं दी गई, इन सब के बाद मुल्क आजाद हुआ। मुल्क आजाद तो हुआ, लेकिन क्या वह आजादी जिसकी कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, क्या उस स्वरूप में हम हैं? अभी भी आजादी बाकी है, लड़ाई बाकी है, लड़ाई हमें बाहरी लोगों से नहीं है, ब्रिटिश से नहीं है, बल्कि लड़ाई हमें अपने आप से लड़नी है। हमें देश के सर्वांगीण विकास के लिए आगे आना होगा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी आस्था रखनी होगी, लोकतंत्र को मजबूत करना होगा, देश को विभाजन करने वाली शक्तियों को तोड़ना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि हम सब एकजुट रहे। हम सभी लोकतंत्र के एक हिस्से हैं, हम लोग इस लोकतांत्रिक संस्था
शासन प्रणाली के समर्थक हैं, लेकिन बात हम लोग भूल जाते हैं, बस 26 जनवरी या 15 अगस्त को हमें देश की याद आती है, देश के महान सपूतों की याद आती है, महापुरुषों की याद आती है, और फिर हम लोग अपने तक ही सीमित रखते हुए देश के बारे में वो सोच नहीं पाते जो देश हमसे अपेक्षा करता है। हम भूल जाते हैं कि हम भी इस देश के नागरिक हैं, हमारी भी एक जिम्मेवारी है, हमारा भी एक कर्तव्य है कि हम देश को उन्नति के शिखर पर ले जाएं। हमारा देश का संविधान विश्व का सबसे अलग संविधान, और इस संविधान को तैयार करने में कई राष्ट्रों से, कई देशों से के संविधान से हम लोगों ने उनके सुझाव लिए थे। आयरलैंड से हम लोग लिया था, ब्रिटेन से लिया था, दक्षिण अफ्रीका से लिए थे, जापान से लिए थे, रूस से लिए थे, अमेरिका से लिए, और तब जाकर ये हमारा भारत का संविधान हम सबों को एक लोकतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य और उसके सभी नागरिकों को न्याय और व्यवस्था की स्वतंत्रता दी। हम लोग देश के संविधान के सामने सब एक हैं, लेकिन अभी भी दोहरे चरित्र वाले लोग हैं जिसके चलते अभी भी शोषण हो रहा है, बलात्कारें हो रही हैं, भ्रष्टाचार पनप रहे हैं। ऐसे में हम सबको आगे झुकना होगा, आगे बढ़ना होगा, इन शक्तियों से लड़ना होगा ताकि हमारा राष्ट्र एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर जाए, विश्व के पटल पर हम अपनी एक पहचान कायम रख सकें। निश्चित रूप से हमारा जो विरासत है एक शांतिपूर्ण देश के रूप में है, लोकतंत्र के हम सिर्फ समर्थक नहीं हैं, बल्कि लोकतंत्र के हम एक पथ प्रदर्शक हैं। निश्चित गणराज्य को आप लोग जानते होंगे, पुराने समय से हमारे यहाँ लोकतंत्र व्यवस्था की परंपरा रही, लेकिन वो कौन सा बात आ गई जिसके चलते हमारे हम लोग ब्रिटिश शासन के कब्जे में आ गए। आप देख सकते हैं हमारा देश पहले एक कॉलोनी की तरह था, एक उपनिवेश था, और उसके अंदर अंदर कई देशी रियासत भी थी जिसको प्रोटोरियन कहते हैं। बाद में वो डोमिनियन बना, जैसा कि माइक जी ने बताया, और डोमिनियन के बाद हमारा देश जो है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब ये देश हमारा है, हम लोग इस देश के वासी हैं, हम लोग इस देश के संविधान के रक्षक हैं। लेकिन कभी कभी हम लोग ऐसी बात कर जाते हैं जिससे हमारा देश शमशान हो जाता है। ऐसे कई बातें हुई हैं, ऐसे में हम सबों को देश की एकता और अखंडता और इसके बहु सांस्कृतिक सांस्कृतिक परिवेश को बनाए रखने की जरूरत है। आज के युवा जो कि इस देश के भविष्य है, आने वाला समय उन्हीं पर है, ऐसे समय में युवाओं को आगे बढ़कर आना होगा, देश की जिम्मेदारी लेनी होगी, देश हमारा किस रास्ते पर चले इसके लिए उनको आगे बढ़कर उनको एक योजना तैयार करनी, ताकि देश में बेरोजगारी, अज्ञानता और एक स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर हम सब आगे बढ़ सकें। हम लोग कोई भी सामान जो है वो खुद तैयार करें जो कि हमारे देश में ही उसका उत्पादन हो और साथ साथ उसका उपभोग भी हो, और हम इस स्थिति में पहुंच जाएं कि हम जो है दूसरे राष्ट्र को भी, दूसरे देश को भी हम निर्यात कर सकें। तो इस उम्मीद के साथ, इस संकल्प के साथ कि हमारा देश भारत विश्व के मानस पटल पर एक अपनी अच्छी पहचान बनाएगा, एक अच्छी छवि बनाएगा, इसके लिए सभी युवाओं, सभी बच्चों, सभी लोगों से यह आह्वान करते हैं कि हम लोग एकजुट होकर के देश को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी दिला के खड़ा दें। जय हिंद, जय भारत।